Students, today's our topic is solubility and the effect of temperature on the solubility. First of all, we come to the topic, the solubility. It is defined as the amount of solute that dissolves in हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर is called the amount of solute that dissolved in 100 gram of solvents at a particular temperature is called solubility. तो ये solubility की definition थी क्या? It is defined as the amount of solute. Solute की वो मकदार जो 100 ग्राम पानी में हल हो जाए एक खास दर्जे हरारत पर, वो उसकी solubility कहलाती है. It is defined as the amount of solute that dissolved in 100 ग्राम of solvent at a particular temperature एक खास दर्जे हरारत पर is called solubility. अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. Effect of temperature on solubility. कहते हैं कि solubility पर दर्जे हरारत का क्या असर होता है. तो इसकी explanation देखिए, if we add ग्राम ऑफ KCl in 100 gram of water, at 20 degree centigrade. क्या बताया कि अगर आप 100 ग्राम पानी लें और उसमें 34.7 ग्राम के सी एल डालें तो इट विल डिजॉल्व, ये क्या हो जाएगा, इसमें हल हो जाएगा. If you add तो कहता है कि इफ यू एड मोर ऑफ द KCl एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल नॉट डिजॉल्व. अगर आप इससे ज्यादा डालें 34.7 ग्राम से तो वो इसके अंदर हल नहीं होगा. ठीक है,
Now heat the solution up to 100 degree centigrade and add more solute in it. It will dissolve in it. Achha. At 100 degree centigrade, 54.7 gram of KCl will dissolve in 100 gram of water, at 100 degree centigrade. तो आप ये देखेंगे कि अब आपने सॉल्यूशन को गर्म करना शुरू कर दिया और 100 डिग्री तक गर्म किया, आप देखेंगे कि 100 डिग्री के ऊपर 56.7 ग्राम KCl डिसॉल्व हो जाएगा इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हेन टेम्परेचर इज 20 degree centigrade, you will notice that KCl will crystallizes out. अब वो कहता है कि आप देखेंगे जब पानी को 20 डिग्री पर लेकर आए इस मिक्सचर को, तो आप देखेंगे कि अब 20 ग्राम जो था, जो ज़्यादा जमा उसमें डिसॉल्व हुआ था, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे. Solubility of ionic compound. Usually, the solubility of ionic compounds increases with the decrease in temperature. यानी आयनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो दर्जा हरारत बढ़ाने से इंक्रीज कर जाती है.
However, solubility of some solid decreases with the increase in temperature. For example, Na2SO4. अब Na2SO4 एक सॉलिड है, इसको अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. द सॉलिड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल Na2SO4. अच्छा जी, आगे आ गया आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. The solubility of gases decreases with the increase in temperature. Gases are more soluble in low temperature. For example, take water in a beaker. And boil it. You can see the small bubbles on all sides of the beaker before water boils. Actually, air is a mixture of gases when we boil the beaker.
तो कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, के गैसेज की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है दर्जे हरारत बढ़ाने से। तो गैसेज आर मोर सॉल्युबल इन लो टेम्परेचर, कहता है कि कम ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में, गैसेज आर मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, इन कोल्ड कर लें, इन कोल्ड वाटर। फॉर एग्जाम्पल टेक वाटर इन अ बीकर एंड बॉयल इट, एक बीकर में पानी लें और उसको गर्म करें। यू कैन सी द स्मॉल बबल्स, आप देखेंगे कि बीकर के तमाम अतराफ में छोटे छोटे से बबल्स बन गए हैं बिफोर वाटर बॉयल, इससे पहले कि पानी गर्म होकर उबले। एक्चुअली एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, व्हेन वी बॉयल द वाटर द एयर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो पानी से हवा बाहर निकल जाती है। इसका मतलब है कि ठंडे पानी में, दिस मीन्स दैट एयर इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि हवा जो है वो ठंडे पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं तो ये एक आपका सिर्फ टेबल है, आपका जो बुक में इंक्लूड है वो टेबल मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। उस टेबल को आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स, इसका कंपैरिजन है। टेबल क्या था? टेबल जी 6.2। सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स का ये टेबल है, ये आखिरी टॉपिक है जो आपका इंक्लूडेड है इस चैप्टर में। होमोजीनियस मिक्सचर, तो कहता है कि अगर आप इसमें सीरियल नंबर 1 पर आपका आ गया ये, ठीक है क्या, कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ये दोनों जो हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। अच्छा, नंबर 2 वेरी फ्रॉम 0.1 to 1 nanometer, पार्टिकल्स का साइज 0.1 to 1 nanometer होता है, किसमें? सॉल्यूशन में। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10^3 nanometer, उसमें पार्टिकल का साइज जो है
इसमें दूसरे में पार्टिकल साइज वेरीज फ्रॉम 1 to 10 की पावर 3 नैनोमीटर, मुख्तलिफ होता है, चेंज होता रहता है, 1 भी होगा 0.1 भी होगा 3 भी होगा 0.10 की 1 भी 2 भी 3 भी, तो वेरी करता रहता है। अच्छा, तीसरा जी पार्टिकल्स आर इनविजिबल नहीं नजर आते बाई नेकेड आई, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब कहता है इसमें चाहे आम आंख से देखें, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें या इलेक्ट्रॉन से, पार्टिकल्स नजर नहीं आते इसमें जी। तीसरा आ गया पार्टिकल्स आर विजिबल बाई नेकेड आई, तो आम आंख से नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर माइक्रोस्कोप से तो नजर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अच्छा, उसमें क्या आ गया जी तीसरे में, पार्टिकल्स आर इनविजिबल बाई नेकेड आई एंड कंपाउंड एंड ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, बट विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब वो कहता है कि इसमें पार्टिकल जो हैं वो नजर नहीं आते ना आम आंख से ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, लेकिन कोलाइड्स के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, कहते हैं हर तरह के फिल्टर पेपर से वो गुजर जाते हैं, ठीक है जी। इसमें जी पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अच्छा, इसमें फिर क्या आ गया, पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर।
इसमें से नहीं गुजर सकते, ठीक है जी। इसमें आ जाएं, कैन पास थ्रू बंद कर दे, कौन एक मिनट देखो, बट कैन नॉट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। आखिरी आ गया आपका जी, कैन नॉट स्कैटर लाइट कैन स्कैटर लाइट ये भी आ गया, कैन स्कैटर लाइट। अच्छा जी, तो ये आपका आप चैप्टर भी यहां पर क्लोज हो गया। ये हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, इसकी डेफिनेशन नहीं है आपके कोर्स में, सिर्फ ये टेबल है। आप एक ये पॉइंट याद कर लेंगे, होमोजीनियस है वो हेट्रो, ये हेट्रो, पार्टिकल साइज इसमें 0.1 से 1, इसमें पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10^3, उसमें वेरी करता है 1 से लेकर 10^3 तक, ठीक है जी, वेरीज फ्रॉम 1 to 10^3। नैनोमीटर पार्टिकल, इसमें थर्ड पार्टिकल्स आर इनविजिबल बाई नेकेड आई, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं नजर आएंगे, उसमें से आम आंख से नजर आ जाएंगे तो बाकी सब से भी नजर आ जाएंगे। जो इसका था, पार्टिकल्स आर इनविजिबल बाई नेकेड आई से तो नजर नहीं आएंगे एंड द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, बट विजिबल बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चौथा जी, पार्टिकल गुजर सकते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी और अल्ट्रा से भी, इसमें से पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर, तो इसमें से नहीं गुजर सकते, उसमें से गुजर सकते हैं। और तीसरे में कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कैन स्कैटर लाइट, कैन नॉट स्कैटर लाइट, ये नहीं कर सकते, ये दोनों लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से दोनों से गुजर सकते हैं, इसमें से दोनों से नहीं गुजर सकते, इसमें से एक से गुजर सकते हैं, एक से नहीं गुजर सकते। ये टेबल 6.2 आपकी टेबल पर भी मौजूद है, और इसको ये काम आपने कॉपी के ऊपर करना है और चेक करवाना है। थैंक यू वेरी मच।